अब हटो सामने से हलो काले हलो ओ काले कालो मैं यहाँ हटाओ सामने से ओ हेलो सर सर्वर आज तो वैसी लाइव बोलना शुरू कर जनाब शकील अहमद एडवोकेट साहब मोहतरम जनाब मुशीर खान साहब हाफिज अमीर साहब रियाज अहमद साहब मेरे भाई मोहम्मद इमरान बॉबी साहब मौजम खान साहब अबे भैया सामने से हट जाओ भैया ओ हीरो साहब सामने से हट जाओ साहब काम करने दे जरा हमें रफत साहब डॉक्टर माजिद आज की बात दिखाई भी नहीं देते हो तुम आलम सूफी साहब मौजूद हाजरीन इकराम बुजुर्गान मिल्लत मेरे बुजुर्ग नौजवान आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इजलास में शिरकत की और मैं आप तमाम से गुजारिश करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चंद महीने में असेंबली या विधानसभा के जो इलेक्शन और इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से ज्यादा आज उत्तर प्रदेश में मजलिस का संगठन मजबूत है। 5 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप तमाम लोग इतना वाबस्ता नहीं थे तो जो आज लाखों की तादाद में अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को सुनती भी है और उसको मानती भी है। मैं आपके शुक्रिया भी अदा करने आया हूं कि 2017 के असेंबली के चुनाव में आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 60,000 वोट ये और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना सियासी सफर को जारी और सारी रखा। मैं आपको ये बात भी बताने आया हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो एक तल्ख हकीकत है वो ये है कि हर समाज के पास उनकी एक सियासी आवाज है उनका कोई सियासी नेता है। मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अवलीन कोशिश यही है कि जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे तो हमारी दो अहम कोशिशें हैं। एक ये कि उत्तर प्रदेश की जनता को दोबारा बीजेपी की सरकार ना मिले और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ना बने बल्कि गुमनामियों के वादियों में वो गुम हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी हमारी कोशिश ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार आपकी दुआओं से और आपके वोट से मुंतखिब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर उत्तर प्रदेश की असेंबली जो आज मजलूम कौम की इंसाफ की आवाजें सुनने तड़प रही हैं मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब मजलिस का विधायक कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो मजलूम आवाम के जुल्म और मजलूम आवाम के इंसाफ का साफ और वाज़े तौर पर मुतालबा करेगा। मेरे अजीज दोस्तों मेरे गयूर नौजवान साथियों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरी इन बातों पर थोड़ी देर के लिए गौर से सुनिए और अगर आपका दिल आपसे कहता है कि ये जो दीवाना खड़ा है हमारे सामने इसकी बातों में कोई सच्चाई है तो मेरी आपसे अपील है कि आप मेरी इन गुजारिशात पर गौर फरमाइए। अगर उसमें सच्चाई है उसमें हक्कानियत है तो फिर आप हमारा साथ दीजिए।
मजलिस किसी मजहब के खिलाफ थी ना है ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा झगड़ा हिस्सेदारी का है, हमारा झगड़ा नाइंसाफी के खात्मे का है और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में इलेक्शन में हिस्सा लेती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी समाज हैं, जितने भी बिरादरियां हैं, उन तमाम के अपने नेता हैं, उनकी तमाम की एक सियासी ताकत है, एक हैसियत है और आज आप देखते हैं कि उसी वजह से वो तमाम समाज के वो लोग उनके मसाइल उनके प्रॉब्लम्स किसी हद तक हल हो रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि मुस्लिम अकलियत से सिर्फ बार बार ये कहा जाता है कि हर असेंबली का इलेक्शन आएगा, हर पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा। 1950 से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन आता है तो हमारे ही दरमियान से बाज लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि देखो जिंदगी और मौत का मसला है, जरा एहतियात से अपने वोट का इस्तेमाल करना। मैं पूछना चाहता हूं, भारत को आजाद होकर 75 साल के करीब हो चुके हैं, इतने असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव हो गए कि हर चुनाव से पहले जिंदगी और मौत की बात होगी और चुनाव के बाद हम रोज मरते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियों को स्कूल नहीं मिलता, डिग्री कॉलेज नहीं मिलता, नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता, पुलिस के जुल्म का खात्मा नहीं होता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, मगर उत्तर प्रदेश की जेलें उनकी जवानी को बर्बाद कर देती है और अगर जिंदा बच जाते हैं तो बाहुबली और गैंगस्टर के नाम पर उनके पेट और पैर में गोली मार दी जाती है, अगर जेल में सड़ने के बाद निकलते हैं तो उनका इंकाउंटर कर दिया जाता है। मेरे पास आदादोशुमार है, डेटा है मेरे पास। और जब हम ये बात करते हैं तो हमारे मजलिस के मुखालिफीन कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण करता है। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, कल भी चैलेंज करता रहूंगा, तुम मेरे इन सवालात का जवाब दो। क्या मेरे सवालात में अगर उसमें सच्चाई है तो फिर बताओ तुमने क्या किया। 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज मिलकर इलेक्शन लड़े। आखिर क्या वजह है कि आपके सिर्फ 15 सांसद कामयाब हुए सपा के और बसपा के, मबाकी पर बीजेपी और एनडीए के साथी कामयाब हो गए। आज मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने आया है। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में ये डेटा सामने आया कि हमारे 71% हिंदू भाइयों ने बीजेपी मोदी को वोट किया और 75% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने सपा और बसपा को वोट दिया, उसके बावजूद भी उनके सिर्फ 15 सांसद कामयाब हुए और बाकी सांसद बीजेपी और उनके साथी पार्टियों के कामयाब हुए। तो बताओ वोट काटने वाला कौन है फिर, वोट किसने काटे, इसका जवाब नहीं देते। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार के 3-3 लोग इलेक्शन हार गए, इसका जवाब नहीं देते। जवाब सवाल मुझसे करते हैं कि भारत के किसी कोने में अगर असदुद्दीन ओवैसी चला जाता है तो सवाल मुझसे करते हैं कि तुम यहां पर क्यों आए, तुम्हारी क्या जरूरत है यहां पर, तुम भी टीम हो, तुम वोट काटने वाले हो। मेरा सवाल उन लोगों से है कि बताओ जब 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर मुकाबला किए तो कहां गया तुम्हारा वाई वोट, कहां गया तुम्हारा जाटा वोट, कहां गया तुम्हारा शेड्यूल कास्ट का वोट, क्यों तुम्हारे 15 उम्मीदवार सांसद बने मां बाकी पर क्यों कामयाबी नहीं मिली, इसका कोई जवाब नहीं। तो मालूम हुआ कि इनका वोटर खुद मोदी को वोट डाल कर आ गया। 2017 के असेंबली के इंतखाबात हुए, कांग्रेस और सपा मिलकर लड़े, क्या नतीजा निकला, 300 के करीब बीजेपी के विधायक कामयाब हुए,
और लोकसभा के चुनाव में मजलिस का कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई उम्मीदवार नहीं था लोकसभा के चुनाव में मजलिस का, इसके बावजूद भी आप बीजेपी को नहीं हरा सके। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों सुनो, हमने क्या किया हम तुमको बताते हैं। मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में 21 साल से शिवसेना का एमपी जीतता था, औरंगाबाद की सीट पर मजलिस ने अपना उम्मीदवार इम्तियाज जलील को खड़ा किया, तो इम्तियाज जलील ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। जो काम कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं कर सकती थी, वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद से कर दिखाया। बता अगर हम वहां पर शिवसेना को हरा सकते तो क्या यहां पर शिवसेना के सगे भाई बीजेपी को नहीं हरा सकते उत्तर प्रदेश में? आप बताइए फिर कैसे हुआ 3 सीट पर ओवैसी की पार्टी लड़ती है लोकसभा के चुनाव में? हैदराबाद की आवाम को सलाम, हमने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में शिवसेना को हराया, और किशनगंज बिहार से अख्तरुल ईमान हमारे मौजूदा सदर बिहार ने 3 लाख वोट हासिल किए, वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। फिर इल्जाम लगाते बिहार को ओवैसी गए थे, 5 दिन के विधायक जीत गए, तो बता अगर मेरी बात सच है, मैं आज भी कहता हूं आओ तुम एक मंच पर आकर बात कर लो, मुझसे बहस कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान होता है। कोई सामने नहीं आ सकता, कोई बैठ नहीं सकता 5 फरक मेरे सामने। बिहार के बारे में 19 सीट हम लड़े, 5 पर हमारे विधायक कामयाब हुए, 9 सीट पर कांग्रेस और राजद के लोग जीत गए, और 6 सीट पर 5 सीट पर जेडीयू बीजेपी जीती। और फिर ये तमाम लोग कहते हैं वोट काटता है, ध्रुवीकरण करता है, पोलराइजेशन करता है। अरे अगर पोलराइजेशन मैं करता तो पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, मगर खुद हार गए और इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाते। 5 विधायक हमारे जीते तो पूरे भारत में तूफान मच गया कि कैसे मजलिस के एमएलए जीत कर आ गए बिहार में। इसलिए जीते क्योंकि बिहार की सीमांचल का जो हिस्सा है वो सबसे पसमानदा बैकवर्ड इलाका था, हमने सीमांचल की लड़ाई का आगाज किया। ये नहीं देखा कि सीमांचल पर बसने वाला किस मजहब का है, किस जात का है, किस बरादरी का है। हमने सीमांचल के इंसाफ की बात की तो सीमांचल की जनता ने लफायकार कहा कि मजलिस को वोट देंगे। बड़े बड़े लोग जो आजकल यूट्यूब चलाते हैं, जो मजलिस की मुखालिफत में अपना पेट पालते हैं, जिनको अपने घर में तेल और चराग जलाने के लिए हमारे दुश्मनों से पैसे मिलते हैं, उन्होंने जाकर सीमांचल की हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से पूछा कि किसको वोट दोगी माँ, तो उस हमारी माँ ने कहा तमाम खवातीन थे कि जिसके सर पे गोल टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जो लंबा है उसको वोट देंगे। तो उस यूट्यूबर ने पूछा कि माँ तो उसको क्यों वोट देगी, तो उस माँ ने कहा कि इस शख्स को सत्ता से मोहब्बत नहीं है, लड़ने वाला हम लड़ने वालों को वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अदा इनको पसंद नहीं आती। ये चाहते क्या है कि हम खामोश रहे, गूंगे बनकर रहे, अंधे बनकर रहे, बहरे बनकर रहे, जुल्म को देखे और बर्दाश्त करे, नाइंसाफी को देखे बर्दाश्त करे, किसी का गला टूटता हुआ देखे और खून के आंसू सूख जाए हमारे, ये इनकी कोशिश है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहती है और फिर इल्जाम लगाते हैं कि वोट काटने आए हैं। अरे कभी ये तो बोलो कि अखिलेश यादव के परिवार को हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए वो हार गए, नहीं बोलेंगे। मुस्लिम वोट ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में खाली मुस्लिम वोट है, ब्राह्मण वोट नहीं है, ठाकुर वोट नहीं है, बनिया वोट नहीं है, दलित वोट नहीं है, कुर्मी वोट नहीं है, सिर्फ वोट है मुस्लिम वोट, कहां जाएगा मुसलमान? अरे के दूसरे भी तो वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, या सबके सब घर में बैठकर मिठाई खाएंगे? हमसे सवाल करते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि आपने
हाजी खैमत को क्यों लिया पार्टी में, ये इंजीनियर है, बाहुबली है। हमने कहा फिर प्रज्ञा ठाकुर के दूध की धुली भी है। नहीं, आप बाहुबलियों को लेते हैं। अरे भाई, बीजेपी के 100 विधायक 37% के करीब विधायक पर क्रिमिनल केस है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक क्रिमिनल केस को वापस लिया। एक में प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं दी, और मुजफ्फरनगर का फसाद होता है जिसमें 50,000 मुसलमान और दूसरे हमारे भाई बेघर हो गए। 70 केसेस योगी सरकार वापिस लेती है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। तो मालूम हुआ कि अगर किसी का नाम अतीक है, मुख्तार है, शहाब है, तो उनकी नजर में ये गिल्टी है, और दूसरों का नाम अगर ये लेगा तो नहीं। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये इनका इंसाफ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि पिछले असेंबली के चुनाव में संभल की असेंबली सीट पर आपने 60,000 वोट मजलिस को दिए, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज्यादा आज मजलिस मजबूत है, और मुझे यकीन है कि संभल से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का एक यहां से हमारा उम्मीदवार जरूर विधायक बनकर जाएगा आपकी दुआओं से और आपके वोट से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीर में ज्यादा बीजेपी को नहीं बोलता है। पार्लियामेंट की हर तकरीर उठाकर देख लो आप, सबसे ज्यादा अगर कोई बोलता है बीजेपी के खिलाफ 5 मिनट में तो मोदी और योगी और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। और आप क्या करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का कानून को अमित शाह पार्लियामेंट में लाते हैं तो सपा और कांग्रेस मिलकर अमित शाह के हक में वोट देते हैं। कौन मुखालिफत करता है? असदुद्दीन ओवैसी उसकी मुखालिफत करता है। CAA का कानून पार्लियामेंट में लाया गया, किसने बीजेपी के 3 MP के सामने कहा कि कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के साउथ अफ्रीका में उस कानून को फाड़ा था, मैं भारत की संसद में इस कानून को फाड़ता हूं। आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप हां में हां मिला रहे थे। और कौन थे वो बच्चे जो आज CAA के कानून में इत्तेजाद हुआ? कौन था बिलाल पाशा? कौन था मोहम्मद शहराज? ये दो बच्चे शहीद हो गए। पूछो इन सपा वालों से, कांग्रेस वालों से, कि तुमको नाम भी मालूम कौन है बिलाल और शहराज? और मालूम हुआ कि उन बच्चों को गोली लगी तो पुलिस की राइफल से या पुलिस के लाइसेंस वेपन से नहीं, किसी और की बंदूक की गोली से वो बच्चे मर गए। आपकी आवाज, आपकी जबान नहीं खुलती उस पर। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने हमेशा फिरका परस्ती से मुकाबला किया और लड़ते रहेगी। फिरका परस्ती से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आरएसएस से, जमहूरी तरीके से, संघ परिवार के तमाम तंजीमों से मुकाबला करना पड़ेगा जमहूरी तरीके से। मगर इनका मामला यह है कि जब बात मजलिस की आ जाती है सामने तो फौरन इल्जाम लगाते हैं कि फिरका परस्त है। और फिर योगी आदित्यनाथ ने बहसियत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा था। अच्छा, तो बताइए बाबा, उत्तर प्रदेश में 2019 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि उत्तर प्रदेश में 5,000 से जायद फिरका परस्त केसेस पुलिस ने रजिस्टर किए, तो कौन से अमन की आप बात कर रहे हैं? कौन से अमन की आप बात कर रहे हैं? कहते हैं कि हमने रोजगार दिया। खुद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी का मंत्री खड़े होकर कहता है कि 33 लाख उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 53 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बच्चे पैदा होते हैं स्टंटेड होते हैं। पूरे भारत में अगर 9 लाख बच्चे क्यूट मैलरिस्ट थे तो 4 लाख उत्तर प्रदेश में है। एनकाउंटर होता है तो 37% मुसलमानों को गोली मार दी जाती है।
यादव, वो अमरदीप यादव कह रहा मुझे नहीं मालूम, मीडिया में रिपोर्ट किया कि अमरदीप यादव को जब पुलिस ने उसको पैर में गोली एक मार दी, बाबा ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ठोक हो तो ठोक दिया, उससे पूछा तेरी बरादरी क्या है तो उसने कहा यादव, बोले और एक गोली मारो उसको। अब आप बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया कह रही है, आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है बीजेपी के राज में, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कोविड की दूसरी लहर आई है, तो कोविड की दूसरी लहर में गंगा पर लोगों की, आवाम की, जनता की लाशें बह रही थी, इसलिए कि योगी सरकार ने उनको ऑक्सीजन नहीं दिया, अस्पताल में दवाएं नहीं मिली, अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं मिली, तकफीन के लिए जमीन नहीं मिली, तो नदी के किनारे कुत्ते उन लाशों को लोच लोच कर खा रहे थे। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने 4.5 साल में सब कुछ कर दिया, क्या लोग भूल गए कि कोविड की दूसरी वेव में कितने लोग मरे, कितने लोग मरे? सिर्फ पंचायत जिला परिषद का इलेक्शन कराया तो 2000 गवर्नमेंट के मुलाजमीन की मौत हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बातों पर गौर करिए। और बात संबल की आती है तो संबल में आप जानते हैं कि यहां पर हमारे वकील भाइयों ने कहा कि हमको एक सेशन कोर्ट की जरूरत है संबल में, मैं उसकी तारीफ करता हूं कि संबल की विधानसभा में एक सेशन कोर्ट की जरूरत है। यहां पर हमारे किसान भाई आलू की पैदावार करते हैं, कोई योगी ने गवर्नमेंट स्कीम क्यों नहीं लाई? लाना चाहिए था, मजलिस इसका मुतालबा करती है। और फिर कितने लोगों को वैक्सीन लगा पूरे संबल में? 2 डोज कितनों को लगे? खाली 4.8% लोगों को लगा। और फिर आप ये भी जानते हैं कि संबल में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो संबल में 31 है और बलिया में 81 है। क्यों भाई? बलिया में खाली 8% मुसलमान है इसलिए बोलते, और संबल में खाली 31%। आप मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि बलिया में 6% मुसलमान और वहां पर 81 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और संबल में 31, तो मुख्यमंत्री बोलेंगे अब्बा जान वहां कम है इसलिए कम लगा, पर ज्यादा लगा है, यहां ज्यादा है यहां पर कम लगा है। हर चीज का जवाब, बस डिपो की जरूरत है, मुख्यमंत्री से कहिए तो बोलेंगे नाम बदल दो उसका काम हो जाएगा। बारिश होती है तो पूरे संबल में पानी जमा हो जाता है, ड्रेनेज लाइन की जरूरत है। MGM का डिग्री एक ही कॉलेज है, हम पूछ रहे हैं क्या किया आपने 4.5 साल में शिक्षा के मैदान में, आपने क्या किया है? MGM डिग्री कॉलेज में खाली है में और भी काम, उसके बाद कोई कोर्स नहीं। 55% लिटरेसी रेट संबल का है, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? क्या कर रहे यहां के विधायक, क्या कर रहे यहां की सरकार, बताइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये रिकॉर्ड आपके सामने पेश कर रहा हूं। और फिर ये भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री बीजेपी ने सब कुछ कर दिया, हम पूछ रहे हैं आपने मुसलमानों की शिक्षा के लिए क्या किया? मुसलमानों का शिक्षा का रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़ा लिखा कोई है तो मुसलमान है, महिलाओं में सबसे कम पढ़े लिखे कोई है तो मुस्लिम महिलाएं, आपने स्कूल क्यों नहीं खोलते? किसने रोका आपको स्कूल खोलने के लिए? और उत्तर प्रदेश में क्या है, मुसलमान अगर प्राइमरी स्कूल को जाता है तो 17% एनरोलमेंट होता है और उसके बाद जब सेकेंडरी एजुकेशन को आता है तो 12%, हायर एजुकेशन को आता है तो खाली 10% होता है, गिरते जाते ऊपर जाते नीचे गिरते जाते गिरते जाते। कौन जिम्मेदार है इसका? जब हम ये सवाल करते हैं तो इनका कोई जवाब नहीं। और बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, झूठ 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 है वो पूरा। क्यों झूठ है? कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2019-20 में 3150 मुसलमानों को घर मंजूर किए गए थे, सैंक्शन किए गए थे। 2020-21 में 1,04,000 मुसलमानों को घर मंजूर किए गए थे। 2021 और 22 में 22,240 घर मंजूर किए गए थे। बताओ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, तुमने इन 3 सालों में कितने मुसलमानों को घर दिया? एक को भी घर नहीं दिया। और आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, झूठ।
समझते हैं कि लोग देखते नहीं पढ़ते नहीं है। याद रखो बीजेपी वालों, असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी और बीएसपी और कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं है कि तुम जो बोलेगे यकीन करूंगा, मैं पढ़ता हूं, मालूम हासिल करता हूं। दोस्तों और बुजुर्गों, फिर उसके बाद आप देखिए योगी आदित्यनाथ की अपनी तकरीर में अप्पा जान का लफ्ज कहा था, हम पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री से, बताओ उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों के पास अंत्योदय अन्ना योजना का कार्ड है, बताओ, आप रिकॉर्ड पेश करो ना। अगर आप अप्पा जान की बात कर रहे थे तो बताओ उत्तर प्रदेश के कितने मुसलमानों के पास अंत्योदय अन्ना योजना का कार्ड है, कितने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास बीपीएल कार्ड है। 47% उत्तर प्रदेश का मुसलमान गरीब है, यह गवर्नमेंट का डेटा कहता है, बताइए, आप जवाब दीजिए इसका, इनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफियों का जब हम जिक्र करते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है, इनको तकलीफ हो जाती है, और हम ये नाइंसाफियों का जिक्र करते रहेंगे। बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो मुझ पर 153A का केस बुक कर दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड बाराबंकी की मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट को नहीं गई, मगर मजलिस पर इल्जाम लगा दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है, खासतौर से संभल के लोगों से कह रहा हूं, और संभल के वो जो समाजवादी के अभी भी बातों में आकर ख्वाबे गफलत सो रहे, मेरी बात पर याद रख लो कि जब 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जो 2004 में समाजवादी पार्टी के सांसद थे, अब उनका पोता संभल के पार्लियामानी हलके में फिर रहा है, तो दादा चाहते हैं कि पोता 24 में संभल से एमपी बन जाए, अब संभल के दादा को सोचना है कि उनके पोते का क्या होगा, समझा ना आपने, अब उनको सोचना है। वो जो 2004 में सपा के सांसद थे उनका पोता, उसके पोस्टर लगना शुरू हो गए, क्योंकि 2024 में वो चाहते हैं, वो दादा चाहते हैं कि मेरा पोता संभल से एमपी बन जाए, सांसद बन जाए। अब आप बताइए ये कहां कहां तक अपने लोगों को लेकर आएंगे, और तो हमारा ले लेंगे, राज वो करेंगे, और जब असदुद्दीन ओवैसी हिस्सेदारी की बात करेगा तो कहेंगे कि नहीं नहीं वोट का बंटवारा होगा। अब आप मजलिस की मुखालिफत में सुनेंगे, नहीं नहीं बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में सब एक होकर वोट किए। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग बंगाल की मिसाल देते, बताओ क्या बंगाल में पुलिस के रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन दिया गया, 1000 मुस्लिम बच्चियों ने 1000 मुस्लिम बच्चियों का दरखास्त एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि उनके वो हिजाब पहनी हुई थी, तो ममता बनर्जी की सरकार ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। कब तक आप ममता, अखिलेश, राहुल या फिर बीएसपी के नेताओं के मुस्तकबिल को संवारेंगे? कब तक आप इनको ताकत देंगे और खुद कमजोर होते रहेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि हराएंगे जरूर बीजेपी को इंशाल्लाह, मगर ताकतवर होकर हराएंगे। कब तक आप अपने बच्चों के बारे में सोचो? आने वाले 20 साल के बाद ये मासूम बच्चे जब तुमसे सवाल करेंगे कि बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमको कमजोर करके क्यों छोड़ दिया, क्या जवाब देंगे आप कि हमने इस सपा के लीडर को नेता बनाया, कांग्रेस के लीडर को नेता बनाया, बीएसपी के लीडर को नेता बनाया, तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल करेगा कि अब्बा घर में चिराग नहीं जलता, खाने को खाना नहीं है, स्कूल को जाने के लिए फीस नहीं है। और याद रखिए, जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं आएगी, आपके हमारे मसाइल हल नहीं होते। ये भारत की जमहूरियत की तल हकीकत है, ये भारत की जमहूरियत की तल हकीकत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मल्लिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए,
लोग बहुत से आएंगे, बहुत से बातें करेंगे, मगर ये जानते हैं कि जो दलील असदुद्दीन ओवैसी लेकर जा रहा है उन दलीलों का जवाब नहीं दिया जा सकता। इनके पास कोई जवाब नहीं है मगर सिर्फ डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे कि कौन सा इलेक्शन नहीं हुआ, अब इलेक्शन आएगा तो कहेंगे अरे बीजेपी आ जाएगी, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे भाई आ जाएगा तो फिर रोकने की तरतीब क्या है? रोकने की तरतीब ये है कि तुम खामोशी से सिर्फ हमको वोट डालो और उसके बाद हम देखते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे मुल्क में और उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी जीत रही है तो आपकी वजह से नहीं जीत रही है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हाथ उठाकर जवाब दीजिए, क्या आपने बीजेपी को कभी वोट दिया होगा? किसी ने दिया हो बीजेपी को? आपने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया ना? कितनों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया? उठाइए। तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे जीत? कैसे जीती बताइए ना? क्या मैंने आपको आकर कान में फूंक कर कहा कहता कुर्सी पर फूंक फूंक दिया कहा जाके वोट डालो मोदी को? कैसे जीती? जीती आपके और हम मुस्लिम होते से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी जीत रही है क्योंकि इनका वोटर, बसपा का वोटर, समाजवादी का वोटर, कांग्रेस का वोटर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहा। और आपको बताया जाता है, आपको डराया जाता है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली जाती है, कंटी हमारे गले में डाल दी जाती है कि देखो वोट मत दो। अरे तुम्हारा वोटर कहां गया बताओ? तुम्हारा वोटर कहां गया? मगर मजलिस जैसे आती है नहीं। और मैं इन तमाम को बता रहा हूं, आपके दरमियान में कह रहा हूं, मजलिस उत्तर प्रदेश को या भारत के किसी कोने में जाती है सिर्फ इलेक्शन की हद तक नहीं। मैं आपको वादा किया था 5 साल पहले भी और आज भी दोहरा रहा हूं, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा, जब तक अल्लाह मुझे हयात देगा मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। हमारी आवाज उठनी चाहिए, बताओ चीजों उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है बताओ। पूछो अखिलेश यादव से, पूछो बहन जी से कि मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है बताओ। जवाब पूछो उनसे, आपको हक पहुंचता है मुझे जवाब दो। तो बोलेंगे इस तरह का सवाल नहीं करना, इस तरह का सवाल नहीं करना, हम सब एक है। अरे एक है तो फिर कमजोर मैं क्यों होता हूं? अगर एक है तो मेरे बच्चों को तालीम क्यों नहीं मिलती? अगर एक है तो मेरा नौजवान गोलियां क्यों खाता है पुलिस के? अगर एक है तो भूखा मैं क्यों मरता हूं? अगर एक है तो गरीबी और मुफलिसी मेरा मुकदमा क्यों बन जाता है? इसका जवाब देंगे तो बड़े नहीं, मिलके रहे, मिलके ही तो है ना। जब मिलके रहते हैं तो फिर तुमको मेरी तकलीफ नजर नहीं आती। तुम दौड़ रहे हो और मैं लंगड़ा हो चुका हूं। तुम्हारे पास दौलत है और मैं भिखारी बन चुका हूं, इसलिए कि हमारे पास एक सियासी ताकत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े दानिशवर लोग अखबार में आर्टिकल लिखते कि ओवैसी जो बात कर रहा है उसमें बड़ा रिस्क है, बड़ा रिस्क है। अरे जिंदगी खुद एक रिस्क है प्यारे, जिंदगी खुद एक रिस्क है। मुस्तकबिल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, मैं जानता हूं क्या? अल्लाह की जात पे तवक्कल करके इंसान कूद जाता है कि अल्लाह तेरे नाम पर, तेरी जात पर भरोसा करके हक की सरबुलंदी के लिए कदम बढ़ाओ, मेरी प्यास रख ले तू। यही काम तो मजलिस करती है। तो बोलते रिस्क है ओवैसी के बातों में, कौन सा रिस्क है, कौन सा रिस्क है बताइए आप? तुमने किया क्या, तुमने दिया क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि हमको मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और फिर क्या बोले? अरे छोड़िए ना, छोड़िए, ये लोग हमको अपना चाचा जान लेते हैं।
उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों का खून चूस रहा है, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पर जुल्म कर रहा है, उनका भाई असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ, अगर तुम समझते हो कि गरीबों का, बेजुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है, तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं, याद रखो। चाचा जान है, क्या इरादा क्या है तुम्हारा? पूछ कर आए अपने बाप से कि किसको चचा कहना। 2018 में क्या तुमने योगी आदित्यनाथ के पास जाकर भीख नहीं मांगी कि मुजफ्फरनगर के कान में जिन तुम्हारे बरादरी के लोगों पर मुस्लिम महिलाओं का रेप करने का इल्जाम लगाया गया था, उन पर से केस हटा लो? चचा जान, अरे याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे कभी। जाकर भीख मांगते, और जब मुजफ्फरनगर का कांड चल रहा था, जो तुम्हारे घर के सामने बच्ची तुमको चचा पुकारती थी, उसको खेतों में ले जाकर इज्जत लूटी गई, तो कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? तुम क्या गुड़ खा रहे थे, हुक्का मार रहे थे? ये नहीं क्या बात, ये कोई अब्बा जान, वो कोई चचा जान? अरे ये मुद्दों पे आओ, बताओ कि 2017 के चुनाव में क्या तुमने बीजेपी का साथ नहीं दिया था? किसकी महापंचायत, किसकी खाद थी वो बताओ, बोलू मैं? तो कान में रुई रखेगी मेरी, तो सच्चाई तुम्हारे भेजे में उतर जाएगी, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, मुझे फिक्र नहीं, मुझे क्या बोलते बोलो, जो गाली देना है मुझे दो, मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरी इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह है, मुझे रिस्क देने वाला अल्लाह है, मुझे जिंदा रखने वाला अल्लाह है, मेरी जान लेने वाला अल्लाह है। और ये लोग जो दिल में आया बोलो, क्योंकि जो बोलता है ना, वो अपने जहन की गंदगी को अपनी जबान पर लाता है। जितनी देर मैंने गुफ्तगू की, एक बात बताओ जो मैंने किसी समाज के खिलाफ कही, बताओ आप, मैंने किसी समाज के खिलाफ कोई बात कही? मैं अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, मैं अपनी तकलीफ को अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, अपने मुश्किलात को अपने इंसाफ की बात कर रहा हूं, तो इनको पसंद नहीं आता? याद रखो, तुम्हारी अल्फाज मेरे अजम और हौसले के सामने कोई माने नहीं रखते। तुम दुनिया की गालियों की डिक्शनरी निकाल दो, इल्जामात मुझ पर लगाओ, मगर मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं गरीब मजलूम आवाम का साथ देता रहूंगा, इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। अल्लाह जब तक मेरे हलक में सांस रखेगा, वो इंसाफ का मुतालबा करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, और फिर हम जब यहां आ रहे थे तो किसी ने एक चिट्ठी दी, मैंने बल्कि चिट्ठी भी दी, और फोन पर यह कहा कि कल दिल्ली में आपके घर पर हमला हुआ, इसके बारे में कुछ कहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में वो वीडियो आपने देखा होगा कि 11 साल की एक बच्ची अपने अप्पा को लपेट कर मारने वालों से अपने अप्पा को बचा रही थी, अपने अब्बा को बचा रही थी, और जब उसको मारते हैं पुलिस की मौजूदगी में कानपुर में, असदुद्दीन ओवैसी कौन सी खेत की बोली? जब सरेआम रोड पर मारा जाता है, उस बच्ची के जहन में क्या बैठ रहा होगा कि मैं जब 11 साल की थी तो बाप ने मेरे अब्बा को लपेट कर मारना शुरू कर दिया। मगर मैं उस बच्ची को एक पैगाम देना चाहता हूं